अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाजी अब्बास और आपके लिए बना रही हूं चने की घूघनी, या आप इसे चने के छोले कह सकते हैं, चने की चाट बोल सकते हैं। ये हम काले चने में बना रहे हैं और टिपिकल इंडियन स्टाइल में बना रहे हैं, जैसे इंडिया वगैरह में बनती थी और इसे चने की घूघनी कहा जाता था। बघार के लिए मुझे चाहिए कुछ साबित मिर्चें, ज़ीरा और कड़ी पत्ता। 3 से 4 टेबल स्पून मेरे पास ऑयल है। इसके अलावा मुझे ये लहसुन मिर्ची की चटनी, हल्दी 1/2 टीस्पून और 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर। चने 1 कप मैंने रात को सोख करके बॉईल कर लिया था और 1 आलू में फूड कलर डाल के वो भी बॉईल कर लिया, दोनों में मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो अब हम चने में कोई सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। इमली मुझे चाहिए 1 टेबल स्पून। इसके अलावा गार्निश के लिए प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बघार डालूंगी, तेल हमारा गरम है। इसके अंदर साबित लाल मिर्च, जीरा और कड़ी पत्ते का बघार। ज़रा सा कड़ी पत्ते का कलर और लाल मिर्च का कलर चेंज होगा जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें मैं डाल दूंगी ये लहसुन मिर्च की 1 टेबल स्पून चटनी। चटनी थोड़ी सी बन जाएगी तो इसमें हम 1/2 टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा जले ना। और इसके अंदर फौरन ही हम ऐड कर देंगे काले चने और आलू। आलू ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये बहुत जल्दी बन जाने वाली चाट है। अगर आपके पास आलू और चने उबले रखे हैं और कोई मेहमान आ जाता है तो विदिन 5 मिनट्स आप ये चाट बना सकते हैं। मैंने इमली का पानी डाल दिया है। पानी के साथ ही मैं 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, जो कि मैंने 2 to 3 टेबल स्पून पानी में डाइल्यूट किया हुआ था, वो डाल दूँगी। कॉर्नफ्लावर हम इसमें इसलिए डालते हैं ताकि देखिए हम चने पक रहे हैं और थोड़े से गाढ़े हो चुके हैं, इसे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है। इसका मकसद ये होता है कि हम ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होते, तो डाइट कॉन्शियस लोग जो है ना वो भी खा सकते हैं। अगर हम ऑयल डालें फिर हमें गुंजाइश दिल चाहता है कि ज़रा सा ऑयल नज़र आ रहा हो और रुके रुके बिखरे भी ना हो। ये कॉर्नफ्लावर की वजह से इसमें अच्छा सा लेस आ जाता है और ये खाने में भी ऐसे बिखरे बिखरे से नहीं होते। थोड़ा सा मोर पकाएंगे, ज़रा सा इसको और गाढ़ा करेंगे और उसके बाद ये देखें फिर चमक भी आ रही है। अब हम इसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें ये डाल के एक आँच हिला देंगे और हरा धनिया डाल के इसको पेश करेंगे। ये तैयार हो गए चने, अब इसका फाइनल लुक आपको दिखा दूँगी।